cardinal principle of total quality escapes too many managers. You cannot continuously improve interdependent systems and processes until you progressively perfect interdependent interpersonal relationships. Stephen R. Kavi is of the point of view that we have to evaluate interdependent relationship. That is, that communication there can be three phenomena taking place either you are dependent or you are independent or you are interdependent hamare liye communication mein sabse aham ye hai ki hum interdependent relationship ke sath wo operate kare और जब हम interdependently operate करते हैं तो हम एक दूसरे की unique competencies को आपस में exchange भी कर पाते हैं और उन unique competencies को आपस में एक्सचेंज करने से एक दूसरे की सपोर्ट में आने से एक दूसरे को गाइड एंड ट्रेन करने से एक दूसरे के लिए सिनर्जी का सब बनने से हम वो आउटकम अचीव कर पाते हैं आउटकम्स आर नॉट अदरवाइज पॉसिबल अगर हम एलोन वहां पर ऑपरेट वो करें सो वी हैव टू बी केयरफुल इन आवर कॉन्टेक्ट इन आवर कम्युनिकेशन वी हैव टू बी ऑलवेज लिसनिंग रादर देन हियरिंग वी शुड ऑलवेज बी एक्शन ओरिएंटेड रादर देन जस्ट टॉकिंग अबाउट द बिग वर्ड्स सो इंटरडिपेंडेंस से एक दूसरे के साथ ताल्लुक से, एक दूसरे के साथ आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने से ट्रस्ट के रिलेशनशिप को करने से, हम बेहतर तौर अपने आउटकम्स को अचीव वो कर सकते हैं अब इस मकसद के लिए देर आर सर्टन इंटरपर्सनल बैरियर्स टू डिसीजन मेकिंग विच वी नीड टू टॉक अबाउट द फर्स्ट कंसर्न इज द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ टॉप एग्जेक्टिव

बैरियर्स टू इनोवेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी और ये चारों वेरिएबल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट द इनोवेशन फ्लेक्सिबिलिटी और अगर आप कॉग्रेटिव के शिकार हैं अगर आपके कोलोर फेल में तजाद है अगर आपका एक्शन एंड डूइंग आपस में मुताबकत नहीं रखता अगर आपकी प्लानिंग और आपकी इंप्लीमेंटेशन वो एक दूसरे के साथ नहीं है तो ऑब्वियसली उस वक्त आपको मुश्किल का सामना वो करना पड़ेगा

सिंक्रोनाइजेशन क्रिएट करनी है पैटर्नाइजेशन क्रिएट करनी है हमें स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंस क्रिएट गेन करना है हमें टॉप मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट लेकर आनी है तभी हम अपने स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स को सही तौर अचीव वो कर पाएंगे द फोर्थ फैक्टर व्हिच वी नीड टू फोकस अपॉन इज टॉकिंग अबाउट दैट एग्जीक्यूटिव्स नीड फीडबैक कंसर्निंग देयर बिहेवियर एंड अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप सेल्फ अवेयरनेस इन एक्शन अब इसमें भी हमारे लिए अहम चीज ये है कि द पीपल आर ऑलवेज सीकिंग अपॉर्चुनिटीज एंड पीपल आर ऑलवेज सीकिंग चांस टू क्रिएट मोर सेल्फ अवेयरनेस जैसा कि हमने इमोशनल इंटेलिजेंस में भी कहा था कि वी नीड टू हैव सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ कंट्रोल एम्पथी मोटिवेशन एंड सोशल इंटेलिजेंस तो ये तमाम चीजें हमारे लिए जरूरी है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के दौरान भी हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम डिसीजन प्रोसेस के दौरान जो बैरियर्स आ रहे हैं जो रेजिस्टेंसेज आ रहे हैं हम उनको ओवरकम कर सकें पर्टिकुलरली इन इंटरपर्सनल परस्पेक्टिव हमें ये देखना पड़ेगा कि वो कौन कौन से वो कौन कौन से जजमेंटल शॉर्टकट्स हैं विच आर एक्चुअली अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो अपने ह्यूरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत जरूरी है एंड एज यू नो के ह्योरिस्टिक वु मीन जजमेंटल शॉर्टकट्स ऐसे शॉर्टकट्स जो कि हमारे डिसीजन मेकिंग को प्लूट कर देते हैं जो हमारे लिए कंस्ट्रक्टिव आउटकम्स क्रिएट करने में रुकावट का सबब वो बनते हैं तो वी शुड नॉट बी हैविंग शॉर्टकट्स, वी शुड नॉट बी हैविंग ह्यूरिस्टिक्स, वी शुड बी देयर टू कंक्लूड द थिंग्स इन ए फैशन जिससे कि हम फ्रूटफुल आउटकम हासिल कर सकें थैंक यू